हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर फोर्थ डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट थर्ड से और अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर देख लीजिए सो लेट्स स्टार्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आज हम बच्चों डाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे डाइजेशन द फिजिकल केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इंटू सिंपल सॉल्यूबल केमिकल कंपाउंड्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाई लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी इज कलेक्टिवली कॉल्ड डाइजेशन जो डाइजेशन होती है बच्चों वो फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रोसेस हैं उसमें फिजिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है और ये जो डाइजेशन प्रोसेस होती है ये फूड को सिंपल सॉल्यूबल केमिकल कंपाउंड में चेंज कर देती है जिससे कि हमारी जो लिविंग सेल्स हैं बॉडी की वो इस कंपाउंड को क्या कर पाए एब्जॉर्ब कर पाए तो इस पूरी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड द बॉडी इज सप्लाइड विथ न्यूट्रिशन दैट आर यूज इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म और जो इसका रिजल्ट होता है डाइजेशन का उसके बाद बॉडी में सभी जगह न्यूट्रीशन को सप्लाई किया जाता है जिससे कि बॉडी में ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो और रिपेयर हो पाए ऑर्गेनिज्म की बॉडी या बॉडी सेल्स डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ एज द फूड इज टेकिन फ्रॉम द माउथ द इंसेजर्स वाइट इट इंटू पीसेज एंड द मोलर्स एंड प्री मोलर्स ग्रिंड दैम इन टू अ फाइन पेस्ट बच्चों जैसे ही हम कोई भी फूड को वाइट करते हैं अपने इंसेजर्स से तो क्या होता है इंसेजर का, का काम तो है ओनली वाइट करना मोलर्स और प्ली मोलर्स जो होते हैं बच्चों आगे के जो पीछे के अपने टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं हमने फोर टाइप के टीथ पढ़े थे तो इंसिजर्स काम में किस लिए आए बाइट करने के और प्री मोलर और मोलर काम करते हैं क्या उनको और फाइन फूड को और फाइन पेस्ट में बदल देते हैं ताकि डाइजेशन के लिए वो सिंपली पहुंच जाए द टंग मिक्स द च्योर्ड फूड विथ सलेवा सिक्रेटेड बाई सी ग्लैंड एंड द फूड टर्न्स इंटू अ स्पेरिकल मास कॉल्ड बोलस टंग क्या हेल्प करती है टंग जो होती है वो फूड को मिक्स करती है सलेवा के साथ सलाइवा कहाँ से सिक्रेट हुआ है सिलेवरी ग्लैंड से और फूड को चेंज कर देती है एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में एक बॉल लाइक मास में जिसको हम क्या कहते हैं बोलस सेलेवा कंटेन्स एंड एंजाइम कॉल्ड सेलेवरी एमाइलीस बच्चों सलाइवा में जो है एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं सेलेवरी एमाइलिस हमने पढ़ा था ना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन जो होता है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है तो ये उसी का एंजाइम है विच स्टार्ट डाइजेशन दार्च एंड कन्वर्ट इट इंटू माल्टी शुगर जो कि क्या कर सकता है जो स्टार्च को स्टार्च को क्या किस में चेंज कर देता है माल्टोज में मीन्स शुगर में माल्टोज एक प्रकार की शुगर है उसमें चेंज कर देता है द सलाइवा ऑल्सो मॉइस्ट द फूड सो दैट इट ईजली पासड इन टू द ईसोफेगस और जो सलाइवा होता है वो मॉइस्चर देता है इसको फूड को सलाइवा मॉइस्चर देता है ताकि ये ईजिली पास हो जाए ईसोफेगस में द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इस्टार्ट इन द माउथ द एन्जाइम ऑफ सिलेवरी अमाइलिस कन्वर्ट स्टार्च अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन टू माल्टोज अ टाइप ऑफ सुगर एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द माउथ बच्चों हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेशन स्टार्ट कार्बोहाइड्रेट का कहाँ हो जाता है माउथ में और यहाँ पर एक एंजाइम uh, होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं सिलेवरी अमाइलेज वो स्टार्च को स्टार्च क्या है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज कर देते हैं माल्टोज में माल्टोज क्या है एक प्रकार की शुगर उसमें चेंज कर देते हैं और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है माउथ में ही ये प्रोसेस कहाँ हो रही है माउथ में बच्चों मोरटूनों में दिया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बच्चों कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोपाइ प्रोवाइड करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन फ्रूट्स सुगर कैन एंड मिल्क द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स स्टार्च प्रजेंट इन दाइट विच सॉरी द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनक्लूड्स स्टार प्रजेंट इन दाइट्स जैसे कि वीट राइस पोटैटो इनमें जो कार्बोहाइड्रेट प्रजेंट होता है वीट राइस और पोटैटो में ये कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अब बच्चों हम देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक अब हमारा जो बोलस था वो कहाँ तक पहुँचा ईसोफेगस से स्टमक तक आ गया है अब देखिए स्टमक में क्या रिएक्शन होता है द फूड रिमेन्स इन स्टमक फॉर अबाउट थर्टी मिनट्स टू फोर फोर आवर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ मील दैट वी टेक बच्चों जो फूड रहता है वो कितनी देर तक हमारे स्टमक में रहता है थर्टी मिनट से फोर आवर्स तक और ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का खाना खाया है फैटी मील्स स्टे हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम जो फैटी फूड uh, होता है जो फास्ट फूड होता है वो बहुत देर तक बहुत टाइम तक हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहता है इन वॉल ऑफ स्टमक मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर प्रेजेंट विथ सिक्रीट अबाउट फोर हंड्रेड टू एट हंड्रेड मिली लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस ड्यूरिंग ईच मील बच्चों जो बॉल होती है स्टमक की हमने उसमें पढ़ा था कि क्या प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक गड्स क्या सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस और हर एक टाइम खाने के बाद कितना जो ग्लैंड होता है वो कितना सिक्रीट uh, करता है गैस्ट्रिक जूस फोर से एट हंड्रेड एम एल द गेस्ट्रिक जूस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच मेक द एनवॉरमेंट एसिडिक इनसाइड द स्टमक टू किल द हार्मफुल बैक्टीरिया दैट कम अलोंग विद द फूड बच्चों हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है पहला तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा क्या होता है दो एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका नाम क्या होता है पैपसिन एंड रेनिन और ये कौन से एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अभी हम पढ़ते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले तो फूड को एसिडिक बनाता है और जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी फूड में आ गए हैं उनको किल करता है द गैस्ट्रिक जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन ओनली और जो गैस्ट्रिक जूस है वो कौन सी प्रोटीन ओनली प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है सिर्फ गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन का ही डाइजेशन करता है इट डज नॉट सपोर्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार सुगर एंड फैट्स यानी स्टमक में स्टार सुगर और फैट का डाइजेशन नहीं होगा सिर्फ किसका डाइजेशन होगा ओनली प्रोटीन्स का द गैस्ट्रिक जूस कंटेन टू एंजाइम्स देखिए आ गए पेप्सिन एंड रेनिन द एनजाइम पैप्सिन कन्वर्ट लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इंटू स्मॉल मोलिक्यूल्स कॉल्ड पैप्टॉन्स एंड प्रोटीसिस बच्चों जो एन्जाइम रहते हैं पैप्सिन के वो कन्वर्ट करते हैं लार्ज मोलिक्यूल ऑफ प्रोटीन प्रोटीन के लार्ज मोलिक्यूल को इस्मॉल मोलिक्यूल में और उस स्मॉल मोलिक्यूल का नाम क्या है पैप्टॉन्स एंड प्रोटीओसिस पैप्ट एंड प्रोटीओसिस ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स के द एंजाइम्स रेनिन चेंज चेंसिन इंटू पैरा कैसिन विच इज इंसॉल्यूबल कर्ड बच्चों जो रेनिन होता है वो मिल्क प्रोटीन मीन मीन्स कैसिन को पैरा कैसिन में चेंज कर देता है द मसल ऑफ स्टमक बॉल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू चर्न द फूड एंड मिक्स इट थोरोली विद द एन्जाइम्स बच्चों जो मसल्स होती हैं स्टमक की वो क्या करती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं ताकि फूड जो है वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से एनजाइम के साथ नाउ द बोलस चेंज इंटू अ सेमी सॉलिड पेस्ट कॉल चाइम बच्चों अब जो बोलस है वो कैसा हो गया उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल गया इसलिए वो कैसा हो गया एसिडिक मीडियम का हो गया इसलिए अब हम उसे बोलस नहीं कहेंगे अब हम उसे कहेंगे काइम काइम अब हम उसे क्या कहेंगे वो एसिडिक मीडियम का हो गया इसलिए अब हम उसे कहेंगे काइम द काइम पासिस इन टू द डिओडनम द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अब बच्चों स्टमक के बाद क्या आता है स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है ड्यूडनम तो काइम किस में पास होगा ड्यूडनम में द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टमक हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में हो रहा था द एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिंग टेक प्लेस इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्टमक द रेनिन कन्वर्ट्स द मिल्क प्रोटीन कैसिन इंटू पैरा कैसिन रेनिन ने जो है प्रोटीन मिल्क प्रोटीन को किस में चेंज किया था पैराकेसिन में एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक आर और एंड प्रोडक्ट क्या था प्रोटियोसिस पैप्ट और पैराकेसिन ये सब हमारे पास क्या था एंड प्रोटीन अब बच्चों पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों अब फूड कहाँ पहुँच चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन कम्प्लीट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च प्रोटीन एंड फैट्स जो कि स्टार्च और फैट्स का डाइजेशन स्टमक में नहीं हो पाया था अब वो डाइजेशन कहाँ होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है वो ट्रांसपोर्ट करती है फूड को स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन तक द डाइजेशन ऑफ काइम टेक प्लेस इन द ड्यूडनम जो डाइजेशन होता है कायम का वो कहाँ होता है फिर ड्यूडनम में द ड्यूडनम रिसीव देशन कॉल्ड बाइल फ्रॉम द लीवर अब बाइल आता है बच्चों लीवर से और वो कौन रिसीव करता है ड्यूडनम मीन्स ड्यूडनम में आता है वायल लीवर से इट इज अल्लो ग्रीनिश फ्लूड विच ब्रेक्स द फैट इन टू टाइनी ड्रॉपलेट्स बच्चों बाइल जो होता है वो फैट को चेंज कर देता है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में द ड्यूडनम ऑल्सो रिसीव अ सिक्रीशन कॉल दी पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम अ पेनक्रियाज बच्चों जो ड्यूडनम होता है वो एक और सिक्रीशन रिसीव करता है पेनक्रेटिक जूस जो कि कहाँ से आता है पेनक्रियाज से इट कंटेन्स सम डाइजेस्टिव एंजाइम नेमली द अमाइलेस ट्रिप्सन एंड लिपिज बच्चों पेनक्रेटिक जूस में क्या कौन कौन से एंजाइम होते हैं अमाइलेस ट्रिप्सिन एंड लिपेज अमाइलेस क्या करता है स्टार्च का डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीन का डाइजेशन करता है और लिपेज क्या करता है फैट का डाइजेशन करता है ये सभी एंजाइम्स हैं अमाइलेज इज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम इट चेंज स्टार्ट इन टू माल्टोज एंड अदर शुगर बच्चों जो अमाइलेज होता है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है ट्रिप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। इट एक्ट्स ऑन द प्रोटीन्स एंड चेंज इन टू दैम बच्चों जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है जो प्रोटीन्स स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे मीन्स प्रोटीस में और पैप्टोंस में नहीं बदल पाए थे वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन द्वारा

प्रोटीन को ट्रिप्सिन ने पेप्टॉन्स में बदल दिया और फैट्स को लिपेज ने ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में चेंज कर दिया फ्रॉम दम फूड एंटर्स द जियोजनम। बच्चों डिओडनम जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि अटैच है किससे स्टमक से और जो हमारा जियोजनम है वो क्या है वो है वो है हमारा मिडिल पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट क्या होता है जियोजनम नो डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस हेयर एंड द फूड दैट मूव्स इन टू द एलियम विच इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों ज्योजनम में कोई भी डाइजेशन नहीं होता ये ओनली मूव करता है फूड को इलियम में इलियम क्या है लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का द इनर लाइनिंग ऑफ इलियम कंटेन्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड विच सिक्रीट्स द एन्जाइम्स लाइक इरपेज माल्टेज सुक्रेस एंड लेक्टेज बच्चों जो इनर लाइनिंग होती है इलियम की वो क्या कंटेन करती है इंटेस्टाइन की जूस को ग्लैंड्स को और उसमें बहुत सारे इंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि एरिप्सिन माल्टेज सुक्रेस एंड लैक्टेज अब एरिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीओसिस के जो प्रोटीओसिस बचे थे और पैप पेप्टे पेप्टाइड्स बचे थे उनको चेंज करता है अमीनो एसिड्स में जो प्रोटीन टूट के प्रोटियोसिस और पेप्टाइड्स में बदल गए थे अब प्रोटियोसिस और पेप्टाइड्स चेंज होंगे अमीनो एसिड में माल्टेज कन्वर्ट्स माल्टोज एंड अदर शुगर्स इंटू ग्लूकोज और जो माल्टेज होता है वो माल्टोज और अदर सुगर्स को ग्लूकोज में चेंज करता है सुक्रीज कन्वर्ट सुक्रोज इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो सुक्रेज होते हैं वो क्या करते हैं वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल देते हैं लेक्टेज कन्वर्ट्स लेक्टोज इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और जो लेक्टेज होते हैं वो लेक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में चेंज कर देते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब रिएक्शन है बच्चों ये आप अच्छे से लर्न करना और याद करना कि इनके एंजाइम्स क्या हैं ओके okay. बच्चों एब्जॉर्ब ऑफ फूड एनरिचमेंट एवरी मोर्सेल ऑफ फूड दैट वी ईट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर न्यूट्रिशन दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी बच्चों जो फूड हम खाते हैं उसको ब्रोकन डाउन किया जाता है उसको सिंपल न्यूट्रिशन में बदला जाता है ताकि वो बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस बन पाए ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए दैट इज़ वाई इट टेक्स आज टू डाइजेस्ट फूड इसलिए बहुत टाइम लगता है बहुत घंटे लगते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में प्रोटीन्स मस्ट बी ब्रोकन डाउन इंटू अमीनो एसिड्स इस्टार्च इंटू सिंपलर शुगर्स फैट्स इंटू फैटी एसिड एंड गलेस्ट्रॉल्स बच्चों प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में बदल जाता है इस्टार्च सिम्पल शुगर में बदल जाता है फैट फैटी एसिड और गलेस्ट्रॉल में बदल जाता है और अब ये जो हमारे पास जैसे कि अमीनो एसिड, सिंपल सुगर और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनको एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी सेल्स जो लिविंग सेल्स है हमारी बॉडी की वो इसको एब्जॉर्ब कर सकती हैं ये एब्जॉर्बेबल है द वॉटर इन आर फूड इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इन टू ब्लड स्ट्रीम टू प्रोवाइड द बॉडी विद द न्यूट्रिशन इट

बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सॉल्यूबल फूड हो जाता है उसको क्या कर दिया जाता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं विलायज होती हैं और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं ब्लड तक ताकि ब्लड पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन को दे दे न्यूट्रिशन को दे दे इसलिए ब्लड जो है वो सभी पार्ट से होकर गुजरता है तो सभी पार्ट्स को न्यूट्रिशन मिल जाता है द ब्लड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सम फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एंटर्स दी लार्ज इंटेस्टाइन वे आर एब्जॉर्बशन ऑफ बॉटर टेक प्लेस एंड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस बच्चों जो फूड अभी भी बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड उसमें क्या किया जाता है उसको अब भेज दिया जाता है कहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो उसमें वाटर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टिड फूड को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से एनस के द्वारा बाय द हेल्प ऑफ एनस बच्चों प्रोटीन्स क्या हैं प्रोटीन्स आर दी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बॉडी बिल्डिंग फूड है वो क्या है प्रोटीन्स दे आर लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स दैट कैन कंटेन अमीनो एसिड ये लार्ज केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या कंटेन करते हैं अमीनो एसिड्स द फूड रिच इन प्रोटीन्स आर मीट फिस एग मिल्क चीज नट बीन एंड पी प्रोटीन्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ बोन आउट सेल्स इट ऑल्सो मेक एंटीबॉडीज दैट हेल्प इन फाइटिंग हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड वायरस हमारी बॉडी को इस एबल बनाती है ताकि हम बैक्टीरियाज और वायरस से लड़ पाए तो इसमें कौन हेल्प करता है प्रोटीन्स प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाती हैं जो कि फाइट करती हैं हार्मफुल बैक्टीरिया से और वायरसेस से सो so बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सो स्टे हैप्पी स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल हैव अ नाइस डे Thank you.